इस लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन के पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। प्रीवियस क्लासेस में हमने ये देखा था कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस होते हैं तो उनको हम ऐड करके किसी एक सिंगल फ्रैक्शन में लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 over x minus 1 plus 2 over x plus 2 is equal to, इनको हम ऐड करते हैं तो एक सिंगल फ्रैक्शन आ जाता है, दैट इज 3x over x minus 1 into x plus 2। लेकिन अगर हम इसी का रिवर्स प्रोसेस करें कि किसी एक सिंगल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करें एज ए सम ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस, कि इससे हम इस फॉर्म में आए 3x over x minus 1 into x plus 2, से इस फॉर्म में आए 1 over x minus 1 plus 2 over x plus 2, तो ये जो फ्रैक्शंस हैं ये इस सिंगल फ्रैक्शन के हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। और वो वाला प्रोसेस जिसमें हम किसी एक रैशनल फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं एज ए सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन हमारे पास एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम किसी एक फंक्शन को एक्सप्रेस करते हैं एज ए सम ऑफ टू और मोर पार्शियल फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल, कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है 5x² plus 5x minus 3 over x plus 1 square into x minus 2, जब हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन इसके फ्रैक्शंस पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे तो वो हमारे पास बनेंगे 2 over x plus 1 plus 1 over x plus 1 square plus 3 over x minus 2। अब हमने इस सिंगल जो फंक्शन है उससे हमने ये जो तीन पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए हैं वो कैसे बनते हैं वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं ये हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, जी ट्रांसफॉर्म या लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, तो तब हमारे पास ये पॉसिबल नहीं होता कि किसी इतने बड़े फंक्शन पे हम इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकें या लैपलेस ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए फिर हम उसको सिंगल जो फ्रैक्शंस हैं या पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं उसमें हम लेके जाते हैं और देन हम वो जो अपना टूल होगा इंटीग्रेट करना होगा या जो भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेना होगा तो फिर वो हम इन सिंगल जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका लेते हैं। तो सबसे पहले तो जिस तरह हमारे पास नंबर्स होते हैं रैशनल एंड इरेशनल, उसी तरह से हमारे पास फ्रैक्शंस भी होते हैं, रैशनल फ्रैक्शंस एंड इरेशनल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये हम रैशनल फ्रैक्शंस की ही कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये कि रैशनल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। जिस तरह से हमें पता है कि वो नंबर्स जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकें, वेयर p एंड q जो है वो बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स से एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम उनको कहते हैं कि ये हमारे पास जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। बिल्कुल उसी तरीके से
हमारे पास क्वेश्चन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, वेयर q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड दे हैव नो कॉमन फैक्टर्स, देन दे आर कॉल्ड द रैशनल फ्रैक्शंस। रैशनल फ्रैक्शंस की फिर आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। पहले प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, अब रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास वो है जो p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगा कब, जब हमारे पास डिग्री ऑफ p ऑफ x दैट इज द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल q ऑफ x दैट इज द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड द प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x इज लेस देन q ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं 3 ओवर x प्लस 1 और 2x माइनस 5 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 एंड 9x स्क्वायर ओवर x क्यूब माइनस 1। इन सब में जो है हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर जो है वो लेस है फ्रॉम डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस हैं। उसके बाद हैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास वो रैशनल फ्रैक्शंस होते हैं जब हमारे पास डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल और ग्रेटर देन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। जब हमारे पास न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगी तो तब हमारे पास वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स ओवर टू एक्स माइनस थ्री एंड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ओवर थ्री एक्स प्लस वन। तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे इनको हमने रिड्यूस करना होगा इन सम ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम इनको प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे, तो उसका जो प्रॉपर पार्ट होगा उससे फिर हम डील करेंगे, यानी कि उसके फिर हम आगे पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन करेंगे। जब सिंपली हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह की एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन जो हैं वो हम आगे करेंगे। That is the resolution of a rational fraction p of x over q of x into partial fractions. जब भी हम किसी rational fraction को partial fractions में resolute करेंगे तो उसके जो है वो कुछ main points या steps हैं। सबसे पहला जो point है वो ये है कि
जो हमारे पास फ्रैक्शन होगा वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि उसमें जो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स है वो लेस होनी चाहिए क्यू ऑफ एक्स से। अगर नहीं होगी तो उसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो रिमाइंडर होगा उस पे हम जो है उसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। पहला स्टेप है, ये पहला जो पॉइंट है वो ये है कि फ्रैक्शन मस्ट बी प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा जो पॉइंट है वो है क्लियर द गिवन इक्वेशन ऑफ फ्रैक्शंस। कि जो हमने फ्रैक्शन बनाने हैं उनकी हम इक्वेशन की फॉर्म में उनको लेके आए। हम एग्जांपल करेंगे तो ये पॉइंट उस वक्त ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। इक्वेशन में दोनों साइड पे जो लाइक टर्म्स हैं उनके जो कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर किया जाए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशंस फॉर द कोफिशिएंट्स। ये चार स्टेप्स हैं जो अमूमन परफॉर्म किए जाते हैं जब भी हम किसी रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रेजोल्यूट करते हैं। सबसे पहला स्टेप यह है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं होगा तो उसको हम प्रॉपर बनाएंगे। उसके बाद जो हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने होंगे वो डेफिनेटली पहले सपोज करेंगे और उसके बाद उनकी इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद जो हमारे पास दोनों साइड्स पे कोफिशिएंट्स होंगे लाइक टर्म्स के उनको कंपेयर करेंगे, जो इक्वेशंस बनेंगी उनको सॉल्व करेंगे। जब हम कोई एग्जांपल करेंगे तो उस वक्त जो है ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन देखा कि पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होते हैं और उनकी कौन सी टाइप्स हैं, और जो एक रैशनल फ्रैक्शन है उसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शंस में लेके जाते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जब हम रेजोल्यूट करते हैं किसी एक फ्रैक्शन को इन पार्शियल फ्रैक्शंस, देन डिपेंडेंट अपॉन क्यू ऑफ एक्स चार डिफरेंट केसेस हैं कि हम उनको रेजोल्यूट करते हैं। वो चारों जो केसेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे।